ईशा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम कोविड सिम्टम्स एट होम। मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स मेरे को नज़र आ रहे थे जो कि मुझे लग रहा था कि कोविड के सिम्टम्स है, तो मैंने उनको कैसे रिकवर किया वो भी घर पर रहकर। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें फेस की हैं, क्या क्या सिम्टम्स मेरे को देखने के लिए मिले हैं, कैसे मैंने उनको रिकवर किया। सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के फेज की। स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिले, कैसे मुझे लगा कि मे बी हो सकता है कि कोविड के सिम्टम्स हों। तो ये बात है अप्रैल की 13th ऑफ अप्रैल की बात है। उस दिन फर्स्ट नवरात्रि थी तो मेरा फास्ट भी था उस दिन। तो क्या हुआ कि मेरे शरीर में थोड़ा सा दर्द मेरे को फील हुआ कि मेरा जो शरीर है उसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, साथ में थोड़ी सी वीकनेस भी हो रही है, एक तरीके से बोल रहे हैं शरीर टूट रहा है, इस तरीके से मेरे को फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैंने फास्ट रखा हुआ है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 2 दिन तक कंटिन्यू मेरे को ऐसा ही रहा, मेरा शरीर दुखता रहा, बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा मेरे को, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। साथ में एक चीज़ मेरे साथ जो हो रही थी वो ये था कि मैं जो भी खाना खा रही थी उसमें मेरे को टेस्ट समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैंने खाया है क्या। उस दिन तक तो मेरे को यही सिम्टम्स आते रहे कि मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और मतलब मेरे को खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था। बट 3rd डे क्या हुआ कि मेरे को कुछ और सिम्टम्स देखने के लिए मिले, कुछ फीवर से रिलेटेड सिम्टम्स देखने के लिए। लाइक मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, बहुत ज़्यादा फीवर मुझे आ चुका था, साथ में मेरा सिर दर्द हो रहा था, सारे शरीर में दर्द, वीकनेस, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, चक्कर बुरी तरीके से आ रहे थे, वॉमिटिंग, गैस, ब्लॉटिंग, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग मेरे शरीर में उस टाइम पर हो रही थी। साथ में जो चीज़ थी वो थी कि मेरा सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट भी पूरी तरीके से जा चुका था। मतलब कि मैं जो भी खा रही थी मुझे उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था। बस क्या होता था कि मैं जो भी चीज़ खाती, लाइक मैंने खाना खाया है, सब्जी खाई है, तो अगर मैं हल्की सी भी मिर्च होती थी मेरा पूरा गला जल जाता था। ऐसा हो जाता था कि मेरे गले में किसी ने कुछ डाल दिया है और मेरा गला बुरी तरीके से जलना शुरू हो जाता था। सो ये सिम्टम मेरे को देखने के लिए मिले। 3rd डे से मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ने शुरू हो गई थी मेरे को। ये सिम्टम्स सुनने के बाद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, क्यों मैंने अपने चेकअप नहीं कराया है। बट उसके भी कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या था वो ये था कि डॉक्टर्स की बातें मैं यूट्यूब पर सुनती रहती हूँ, मेरे को खुद भी पता है क्योंकि मैं खुद नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं इस टाइम पर कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर पैनिक मत होइए, आप डरिए मत, परेशान मत होइए। आपको जो सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप मेडिकेशंस ले लीजिए उसके अकॉर्डिंग, और घर पे क्वारंटाइन हो जाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका कोविड जो है वो रिकवर होने लग जाएगा, अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है तो। मेरे को फीवर से रिलेटेड सिम्टम्स थे बट मेरे को ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कोई ऐसी प्रॉब्लम सीवियर नहीं थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये था। नेक्स्ट रीज़न क्या था कि आजकल क्या हो रहा है कि अगर हमें थोड़े से भी सिम्टम्स आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमें कोविड तो नहीं है, और उस डर के मारे हम कोविड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं या वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं। तो एक चीज़ होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है कि नहीं है, वो तो हम टेस्ट के बाद ही कन्फर्म कर पाएंगे ना। बट एक चीज़ होती है कि जब हम टेस्ट कराने जाते हैं या हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं होते हैं अकेले, बहुत सारे और भी पेशेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो सिम्टम्स आ रहे हों वो कोविड के ही हों, वो नॉर्मल फ्लू के भी हो सकते हैं, वो फीवर की वजह से भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जब हम टेस्ट कराने जाएंगे या वैक्सीन लेने जाएंगे उस टाइम पे हम अदर पीपल के कॉन्टेक्ट में आएंगे और हो सकता है कि वहाँ पे कोई कोविड का पेशेंट हो जिसके थ्रू हमें और ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाए। हमारी बॉडी में तो वो इन्फेक्शन नहीं था बट हम वैक्सीन लगवाने गए या टेस्ट कराने गए उस टाइम पर हमें वो लग गया वायरस, उस टाइम पे हमें इन्फेक्शन लग गया तो हम ज़बरदस्ती बीमार हो जाएंगे। तो यही एक रीज़न था कि इतने सारे सिम्टम्स देखने के बाद भी मैं पैनिक नहीं हुई, इतना डरी या घबराई नहीं। जो जो सिम्टम्स मुझे आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने मेडिकेशंस लेना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेडिसिन की नॉलेज है कि हाँ किस प्रॉब्लम में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो मैंने अपने फीवर के लिए मेडिसिन ली, अपने बॉडी पेन के लिए मेडिसिन ली, वॉमिटिंग के लिए ली, तो इस तरीके से मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं था कि आफ्टर मेडिकेशन मेरी बॉडी ने एकदम से सब चीजें रिकवर कर ली, मेरे सारे सिम्टम्स रिकवर हो गए हूँ, ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी बॉडी जो है वो उन चीजों को रिकवर कर पाई, वो सिम्टम्स क्योर हो पाए। कोई कोई दिन मेरे पास ऐसा भी आया था जब मैं अपने बेड से
उठ भी नहीं पा रही थी, मैं कोई नहाना धोना तो दूर की बात, मैं अपना फेस वॉश नहीं कर पा रही थी, ब्रश नहीं कर पा रही थी, अपनी पर्सनल हाइजीन तक मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो ये भी सिम्टम्स मेरे को देखने के लिए मिले, ये भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, बट उसके बाद भी मैंने कैसे उसको घर पर रिकवर किया उसके भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ बताती हूँ। सो फर्स्ट थिंग मैंने क्या की कि भले ही मेरा सेंस ऑफ टेस्ट या स्मेल चला गया था, बट मैंने खाना नहीं छोड़ा। कभी भी मैंने जो घर का बना खाना होता है उसको मैंने नहीं छोड़ा। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था खाने का, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आता था खाने में। जब भी मैं खाती तो ऐसा होता कि मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। बट क्या, हाँ मेरा खाना थोड़ा कम हो गया, लाइक मैं 2-3 टाइम खाया करती थी नॉर्मली, तो मैंने एक ही टाइम खा पाती थी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खा पाती थी। तो बाकी टाइम पर मैं क्या करती थी, मैं फ्रूट्स ले लेती थी या जो सैलड्स वगैरह होता था मैं उनको ले लिया करती थी, बट मैं कुछ ना कुछ खाती ज़रूर थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब तक मैं खाऊंगी नहीं, जब तक मैं ठीक से इनटेक नहीं कर पाऊंगी खाना, तब तक मैं उठ नहीं पाऊंगी, मेरी वीकनेस जो है वो भर नहीं पाएगी। क्योंकि हम भले कितनी दवाइयाँ ले लें, बट वीकनेस जो होती है, हमारे शरीर की जो वीकनेस होती है वो ओनली और ओनली खाना ही दूर करता है। खाना खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स फूड, यही सब चीज़ें होती है जो कि हमारी वीकनेस को दूर करते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं या हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें खाना खाना ही पड़ता है, तभी हम बेड से उठ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग मैंने जो करी थी वो ये था कि मैंने खाना नहीं छोड़ा, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है, 2 रोटी नहीं खाई जा रही, 1 खाई जा रही है, आधी खाई जा रही है, बट मैंने खाना नहीं छोड़ा, मैं खाती रही प्रॉपरली। नेक्स्ट थिंग जो कोविड से मैंने सीखी है वो ये है कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी अपनी लाइफ में, मैंने कभी एक्सरसाइज वगैरह पर इतना ध्यान नहीं दिया। लोग मेरे को बोलते रहते थे कि आप एक्सरसाइज क्या करो, फिट रहोगे, बट मैंने कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि मैं इतना वर्क तो करती हूँ, एक्सरसाइज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जब कोविड हुआ तो अगर मैं बोलूँ कि एक रिकवरी में मेरी हेल्प जिसने करी है सबसे ज़्यादा, वो एक्सरसाइज भी थी। मैंने कुछ इजी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी शुरू करी, योगा करना शुरू करा, थोड़ा खुली हवा में मैं घूमती रहती थी। भले ही जितना भी मुझसे घूमा जाता था पर मैं थोड़ा बहुत वॉक करती रहती थी इवनिंग टाइम पे, ताकि मैं थोड़ा सा रिकवर हो पाऊँ, थोड़ा सा बेटर फील कर पाऊँ। क्योंकि घूमने का भी क्या होता है कि घूमने के भी अपने एक फ़ायदे होते हैं। क्या होता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, हम 24 घंटे बेड पर ही रहते हैं, तो हम जो भी इनटेक करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हम थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे तो हम उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, हमारी बॉडी उस मील को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी, और जब वो मील अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हम जो भी चीज़ इनटेक करेंगे वो हम अच्छे से खा पाएंगे, हमारा मन होगा, हमें भूख लगेगी थोड़ी सी। क्योंकि 24 घंटे अगर हम बेड पे पड़े हैं तब उस टाइम पे हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे होते हैं, तो हम जो भी खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता है, और यही एक रीज़न होता है कि हमारा मन भी नहीं करता है बीमारी जब हो जाती है कि हम कुछ खाएं। ठीक है, सो मैं क्या करती रही कि मैंने अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखी, योगा भी कंटिन्यू रखी, डाइट जो थी वो भी मैं कंटिन्यूस अपनी ले रही थी, अपनी मेडिकेशंस भी कंटिन्यू करती रही मैं। बट उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1 वीक मेरे ये सिम्टम्स थोड़े कम होने शुरू हुए, लाइक जो मेरे को पेन हो रहा था बॉडी में वो कम हो गया, मेरे को फीवर जो था वो ख़त्म हो गया, मेरी वीकनेस थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगी। उसके बाद में क्या होता है कि मेरे को सडनली कोल्ड एंड कफ होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कफ होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होना मेरे को शुरू हो जाता है, मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक सोर थ्रोट जिसको हम बोलते हैं, आपको गले में खराश रहती है, आप कुछ खाते हो, कुछ इंगल्फ करते हो, उस टाइम पे गला बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो वो प्रॉब्लम्स मेरे को होने लगी। जब मुझे कोल्ड एंड कफ वाली प्रॉब्लम हुई, मेरे को गले में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तो उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी, अपने हेल्थ केयर रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड करी, जिसके बाद मुझे इन चीज़ों से रिलीफ मिल पाया। सो फर्स्ट थिंग क्या थी कि जब भी मैं पानी पीती थी तो मैं कोशिश यही करती थी कि मैं गर्म पानी पीऊँ। अभी गर्मी ज़्यादा है तो अगर आप गर्म पानी भी नहीं पी सकते हो तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है आप उसको ले सकते हो। जब भी कोल्ड एंड कफ वाली प्रॉब्लम हो तो आपको ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका कफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम ठंडी चीज़ें इनटेक करते रहेंगे तो हमारा कफ जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो आपको एक चीज़ करनी है कि कभी भी कोल्ड एंड कफ वाली प्रॉब्लम हो तो हमेशा गर्म पानी पीना है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी आप पी सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या है कि मैंने गार्गल्स करे, मतलब दिन में 2-3 बारी आपको जितनी बारी भी लग रहा है कि आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग करते हैं कि गर्म पानी किया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के गार्गल्स करते हैं, तो 2-3 टाइम्स में उनको किया करती थी। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी। नेक्स्ट थिंग क्या है कि कोल्ड एंड कफ के सिरप्स भी आते हैं काफ़ी सारे, तो मैंने उनको भी ट्राई किया है।
तो आप इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हो अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। योग के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि मेरी तरह आपको भी अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, लाइक फीवर आपको हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है, या जो भी अदर सिम्टम्स आपको आ रहे हों और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिमिलर टू कोविड सिम्टम्स ही हैं, तो उस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ज़्यादा घबराना है या डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैनिक होगे, जितना ज़्यादा घबराओगे, उससे आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी, वो आपको रिकवरी नहीं देगी उससे। बिकॉज पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें थोड़े से भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कोविड वाले, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। और आजकल की जो हॉस्पिटल की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि जो पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और जिनको ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो लोग परेशान हो रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास फुली इक्विप्ड चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि आपको कोविड के सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है, इतना डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट वॉच करना है कि आपको सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, और अगर आपके सिम्टम्स जो है वो सीवियर नहीं है, आपको ज़्यादा हाई फीवर नहीं है, आपको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी फैमिली डॉक्टर है, जो भी फैमिली फिजिशियन है, आप फ़ोन से या डायरेक्टली उनसे मिलके कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, वो जो जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर भी डायरेक्टली एकदम से आपको कोविड टेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, तो मे बी आपको उन दवाइयों से ही आराम हो जाए और आपको कोविड टेस्ट के लिए या और चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये करनी है। नेक्स्ट थिंग बात आती है डाइट की, कि आपको डाइट अपनी अच्छे से मेंटेन करके रखनी होगी। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ क्या करेंगी, आपकी वीकनेस को कम नहीं करेगी, आपके सिम्टम्स को रोक देगी, थोड़ा सा आपको जो बुखार हो रहा है, जो शरीर में दर्द हो रहा है, उन चीज़ों का दवाइयाँ कम कर सकती है, बट जो आपकी वीकनेस है उसको आप कैसे कवर कर पाओगे। उसको रिकवर करने के लिए आपको खाना खाना होगा, फ्रूट्स अच्छे से लेने होंगे, हरी सब्जियाँ होती है, सैलड्स होते हैं, विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको आपको अच्छे से कंज्यूम करना होगा, तभी आपकी इम्यूनिटी जो है वो वापस से रिकवर हो पाएगी, वापस से बूस्ट हो पाएगी। सो आपको अपनी डाइट पर भी अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से अपनी डाइट को मेनटेन करना है। आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो तो थोड़ा खाइए, बट खाइए ज़रूर, क्योंकि खाना क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम थोड़ा बहुत चल फिर पाएँ, थोड़ा बहुत घूम फिर पाएँ, ठीक है। तो अपनी डाइट को भी अच्छे से मेंटेन करना है। थर्ड थिंग क्या आती है, वो है योगा एंड एक्सरसाइज। तो आपको योगा एंड एक्सरसाइज पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी भूख को बढ़ाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 1 वीक तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मैं पूरा पूरा दिन भी अगर कुछ ना खाऊं तो चल जाता था, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। बट उसके बाद मैंने योगा करना शुरू करा, एक्सरसाइज करनी शुरू करी, तो मेरी भूख वापस से स्टार्ट हुई। तो योगा और एक्सरसाइज क्या करती है, आपके खाने को भी अच्छे से पचा देगी, आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। ब्रीथिंग के अपने कुछ अलग फायदे होते हैं, अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके लंग्स की एक्सपेंड होने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल सी जो एक्सरसाइजेज जिनके बारे में हमें पता होता है अगर हम उनको ही करना स्टार्ट करते तो हम काफ़ी अच्छे से रिकवरी कर पाएंगे। आप देखोगे आपकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छे से वापस रिकवर हो रही है, ठीक है। और एक और चीज की ध्यान रखना है आपको कि आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया और आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे भी आज 2 वीक हो चुके हैं, बट क्या है कि छोटे मोटे सिम्टम्स मेरे को अभी भी देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक कभी कभी मेरे शरीर में दर्द हो जाता है वापस, कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस लग जाती है, कभी कभी सिर में दर्द होने लग गया, थोड़ा बहुत फीवर का सिम्टम आ गया। तो आपको अपने हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, अपनी हर चीज को कंटिन्यू करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ठीक हो गए हो तो आपने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आपने अपनी योगा या एक्सरसाइज छोड़ दी, आपको ये चीजें छोड़नी नहीं है, आपको कंटिन्यू रखनी है जब तक आप फुल एंड फाइनल फिट नहीं हो जाते हो।
नेक्स्ट थिंग की बात अगर हम करें तो वो ये है कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं, अगर आपको कोल्ड एंड कफ लग रहा है, उस कंडीशन में आपको खुद को आइसोलेट करना होगा, खुद को क्वारंटाइन करना होगा ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो दूसरों को ट्रांसमिट ना हो जाए, दूसरों को ना लग जाए, क्योंकि आप तो परेशान हो गए ही, साथ में आपके फैमिली वाले हैं या आपका फ्रेंड सर्कल है जो भी है, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से प्रॉपरली अपने आप को आइसोलेट भी करके रखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो के अंदर मैंने जो भी पॉइंट समझाए हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो जो मैंने फॉलो की थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।